इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। 3 घंटे का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स क्वेश्चन, इजी था और 3 घंटे में आराम से आप कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन पढ़िए, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों ने क्या किया था कि इंस्ट्रक्शन पढ़े बिना ही सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे, लेकिन सारे अटैम्प्ट नहीं करने। देयर आर 5 सेक्शंस, 5 सेक्शंस हैं इन दिस क्वेश्चन पेपर। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को आंसर करना है, ठीक है। तो टोटल 5 सेक्शन में से आप 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा और एक क्वेश्चन 20 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन 100 मार्क्स है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है। सेक्शन ए, डिफाइन द फॉलोइंग: फ्यूल गैस, अबायोटिक कंपोनेंट्स, फोटोसिंथेसिस, कोवेलेंट बॉन्ड्स, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, बॉइलिंग पॉइंट, फर्मेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मायोपिया, ओजोन लेयर डिप्लीशन। और क्वेश्चन नंबर 2 है, या तो 1 करना है या 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। 20 नंबर का है, एक क्वेश्चन, टोटल 5 है, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 5 हो जाएगा 20 नंबर का। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग: फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, आइसोटोप एंड आइसोबार, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, विटामिन एंड मिनरल्स। अब सेक्शन बी पर आते हैं। सिमिलरली सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से केवल हमको एक करना है। आंसर द फॉलोइंग, 20 नंबर का है: वाई डज द सन अपियर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, वाई डू वी वेयर वाइट क्लोथ्स इन समर, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, what is ecosystem, why should curd and sour substances not to be kept in the container made up of brass or copper, what are the applications of human tongue, what is RT-PCR technique, what are metalloids, what are compounds, what is nucleus. Next, question number 4, या तो 3rd करना है या 4th करना है। Question number 4, ये भी 20 नंबर का है। गिव रीजन्स ऑफ द फॉलोइंग, 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर का। रीज़न देना है क्यों एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स, रेनबो इज सीन इन द स्काई आफ्टर रेन्स, बॉडी बिकम्स मोर एक्टिव ड्यूरिंग एंगर एंड फियर, सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन, पिकल इज ऑलवेज केप्ट इन ग्लास जार। अचार हमेशा शीशे के जार में रखा जाता है। अब सेक्शन सी, राइट ब्रीफ आंसर ऑफ द फॉलोइंग, 20 नंबर का है: व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड डिजीजेस विद देयर डिफिशियंसी। फिल इन द ब्लैंक्स, या तो 5वां कीजिए या 6th कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। फिल इन द ब्लैंक्स है: डैश मटेरियल इज प्रेजेंट इन टियर्स, द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ, रस्ट इन आयरन इज ड्यू टू, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, मेंडल प्रपोज्ड द लॉ ऑफ, विनेगर कंटेन्स, डैश इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, ब्रोंज इज द अलॉय ऑफ, डैश एंड डैश। 1 माइक्रोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? डैश इज नोन एज लाफिंग गैस, किसे लाफिंग गैस कहा जाता है। अब सेक्शन डी, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द फॉलोइंग, 20 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन 20 नंबर का। साइंटिस्ट का नाम लिखना है जो ये डिस्कवर किए हैं: स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेल थ्योरी, DNA, ब्लैक होल, पीरियोडिक टेबल, सेल्स, ओरल पोलियो वैक्सीन, माइक्रोस्कोप, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, या तो 7वां या 8वां करना है, 20 नंबर का ये भी: द स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई ब्लू दिखता है, क्यों होता है एक्सप्लेन करना है, रीजन देना है। फ्यूज वायर प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड विदाउट एक्सटर्नल फोर्स इज स्फेरिकल इन शेप, इन ह्यूमंस द ब्लड प्रेशर इज हायर एट द फीट देन एट द ब्रेन, मॉडम इज यूज्ड इन between telephone line and computer for data transfer। अब सेक्शन ई, 9 और 10 में से किसी एक का चयन करना है, किसी एक को चुनना है। वाई डू डज इज, आइस क्यूब्स स्टिक टुगेदर इफ दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट, वी रिक्वायर विटामिन्स, पर्सन नॉट ड्राउन इन डेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन व्हाइट ब्लड सेल्स आर हाई, carbon dioxide is flowing through lime water for less time. Decomposer is removed from the food chain. Glycerin comes in contact with potassium permanganate. Cloth is washed with hard water. ठीक है, तो ये था हमारा एलिमेंट्री जनरल साइंस, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करना है और 5 सेक्शन थे, हर सेक्शन में से एक-एक अटेम्प्ट करना था और हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन. इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए आपको अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. तो ये था एलिमेंट्री जनरल साइंस बिहार जुडिशरी 2023 मेंस के क्वेश्चन. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.